नमस्कार दोस्तों, ई मित्र हेल्प वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है आधार कार्ड से जुड़ी हुई एक चेतावनी जारी हुई है। UIDAI ने एक चेतावनी जारी की है, उसमें उसने क्लियर कुछ बताया है। तो क्या है वो जानकारी आज के वीडियो में कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको हमारा चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों बात की जाए कि UIDAI ने जो चेतावनी जारी की है वो क्या है चेतावनी, इसमें UIDAI ने बताया कि किस तरह के आधार कार्ड वैलिड है और किस तरह के आधार कार्ड इनवैलिड है। अगर वैलिड आधार कार्ड की बात की जाए, अगर आपके पास आपके मोबाइल के अंदर मोबाइल आधार कार्ड है, यानी कि एम आधार के द्वारा आप आधार कार्ड यूज करें तो वैलिड है। इसके अतिरिक्त आपने एक नॉर्मल प्रिंट किया हुआ आधार कार्ड भी वैलिड है सिंपल पेज पे। इसके अलावा UIDAI के द्वारा आपके घर पे भेजा हुआ आधार कार्ड भी वैलिड है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन डाउनलोड करके उसके ऊपर लेमिनेशन कराए हुआ आधार कार्ड आप यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल इनवैलिड है। इसके अतिरिक्त अगर आप PVC कार्ड यानी कि स्मार्ट कार्ड प्लास्टिक कार्ड का आधार यूज कर रहे हैं तो वो भी इनवैलिड है, यानी कि PVC एंड लेमिनेशन किए हुए आधार कार्ड दोनों ही इनवैलिड है। अगर आपने आधार कार्ड को लेमिनेशन कराया उसका QR कोड काम नहीं कर रहा तो वो भी बिल्कुल इनवैलिड है। तो आखिर क्यों है ये इनवैलिड? इससे क्या होता है दोस्तों, जब आपके लेमिनेशन को आपके आधार कार्ड को लेमिनेशन कराते हैं तो उसके जो QR कोड है वो काम करना बंद कर देते। इसी तरह अगर PVC कार्ड बनाते हैं तो भी QR कोड काम नहीं करते और उससे आपकी डाटा का लीक होने का खतरा बढ़ जाता है, आपकी पर्सनल जानकारी दूसरों के हाथ में जा सकती है। इसीलिए इन दोनों तरह के आधार कार्ड को इनवैलिड कहा है UIDAI ने। तो आगे से इन दोनों आधार कार्ड से बच के रहे दोस्तों, आपको PVC आधार कार्ड बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर आप लेमिनेशन करवाते हैं आधार कार्ड का तो ध्यान रखें कि उसका QR कोड काम कर रहा है या नहीं, अगर नहीं कर रहा है तो आपके लिए खतरा है। तो बाय बाय दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो। तो बाय बाय दोस्तों।